अब सवाल ये है कि हम जो मजहबी लोग हैं, हमारे जो उसूल हमारे इमाम ने बयान फरमाए, आपको उस पर एतराज? एतराज ये है कि जिक्रुल्लाह, वो कहते हैं कि जिक्रुल्लाह से हम जो समझते हैं ये मजहबी नहीं समझते, वो कुछ और ही समझते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान में जा बजाय जिक्रुल्लाह का हुक्म है, कुरान मजीद में अल्लाह ने जा बजा हुक्म दिया है। इरशाद होता है फइज़ा क़ज़ैतुमुस्सलाह फ़ज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, नमाज खत्म कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए। तो ये तीन ही पोस्चर हैं, या तो आदमी खड़ा रहेगा, या बैठा रहेगा, या लेटा रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर कोई चौथी हालत भी इंसान को हासिल होती तो बारी ताला उसमें भी जिक्र करने का हुक्म देता। उनके इस कौल को इमाम राज़ी, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने पेश किया है और फरमाते हैं कि इस आयत से जिक्र पर मुदावमत का हुक्म निकलता है, यानी जिक्र दवाम का हुक्म निकलता है, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए अल्लाह का जिक्र किया करो, ये अल्लाह का हुक्म है। कहा आप हम पे क्या इल्जाम रखते हैं, अल्लाह फरमा रहा है। अगर आप ये भी नहीं मानना चाहते अल्लाह की बात, तो सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते थे? कालत कान यशकुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, हुजूर अपने पूरे जुमला औकात में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। आप जिक्र दवाम क्या चीज होती है, अब आपकी समझ में आई। और हुजूर की हयात तैयबा उसवा है, सारी उम्मत के लिए नमूना है, हम इसी को मानते हैं। हमने क्या बुरा किया, क्या गलती की, क्या अगर हम जिक्रुल्लाह को फर्ज मानते हैं तो दीन इस्लाम नामुकम्मल रह जाता है, इस्लाम के बाहर की कोई चीज है? आप गौर फरमाइए। अब ये देखिए तवक्कुल, तवक्कुल के बारे में वो कहते हैं कि इनका तवक्कुल अलग है, ये जो समझते हैं हम जो समझते हैं वो अलग है। अब अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। कुरान है कसौटी, देखिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल कहो ऐ मोहम्मद हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, अल्लाह मेरे लिए काफी है, उस पर तवक्कुल करते हैं तवक्कुल करने वाले। कुरान कहता है وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफी है। इसमें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम ने हमको जो हुक्म दिया है वो अल्लाह का हुक्म है, जो कुरान पहले से मौजूद है, अल्लाह के रसूल का अमल है जो पहले से आपके उसमें में मौजूद है, अल्लाह के रसूल के का कौल है, सुन्नत कौली है जो पहले से मौजूद है। अब अगर हमारे इमाम ने एहसान की तालीम दी, विलायत के अहकाम बयान फरमाए, तो ये इकमाल दीन के खिलाफ क्या हुआ? दीन का इकमाल जो हुआ है, दीन जो कमाल को पहुंचा है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज का दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, अल्लाह फरमा रहा है, उसके खिलाफ क्या बात हुई? जो कुछ अहकाम विलायत के हजरत सैयद मोहम्मद महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने दिए हैं, हर हुक्म अल्लाह की किताब में मौजूद है, कुरान आपका गवाह, हर हुक्म अल्लाह के हबीब की सुन्नत में मौजूद है, हुजूर का उसवा आपका गवाह है। आपका यह कहना कि इनका इस्लाम 980 साल के बाद मुकम्मल हुआ,
एक ऐसी बात है कि जो बिल्कुल गैर जरूरी ला हासिल है, ये कोई इतराज है? आप गौर तो कीजिए, हुजूर को हुक्म होता है फाइजा आजम तफतवक्कल अल्लाह इन अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब तू किसी काम का इरादा कर ले तो अल्लाह पे तवक्कुल कर, भरोसा कर। अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत रखता है। हमने गौर फरमाया, अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत रखता है, ये बात है। अब आप तर्क दुनिया का लफ्ज सुनते ही लोगों को हंसी आ जाती है। क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह ने उसकी सजा दोज़ख की आग बताई है। भाई हमारे इमाम ने तालीम ये दी कि दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो, अल्लाह की मोहब्बत को जगा दो। आपकी सारी तालीम इश्को मोहब्बत इलाही की तालीम है। अब आप अरबी लफ्ज तो, फारसी लफ्ज है तर्क दुनिया। तर्क दुनिया करके अल्फाज सुनते ही ये लोग भड़क जाते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं। और कुरान मजीद जा बजा हुक्म दे रहा है इस बात का। आप गौर कीजिए, मकान युरीदुल हयात दुनिया वजीना कहा, जो कोई हयात दुनिया और उसकी जीनत का मुरीद हो गया, मकान युरीदु इरादा करता है, मुरीद हो गया दुनिया का उसकी जीनत का, नवफी इलैहिम आमालहुम उनके अमल उनको लौटा दिए जाते हैं, फीहा वहुम फीहा ला युखसून और दुनिया में उनको कोई उनके साथ कमी नहीं की जाती। उलाइकल लजीना ये वो लोग हैं, लैस लहुम फिल आखिरति इल्लन नार ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं है। मन काना युरीदुल हयात दुनिया व जीनता उनका अंजाम क्या है, लैस लहुम फिल आखिरति इल्लन नार उनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये जो नार है, आग है, जहन्नम है, वो किसके लिए बनी है? उद्दत के काफिरीन काफिरों के लिए बनाई गई है। और अल्लाह ताला दुनिया के मुरीद को ये वार्निंग दे रहा है कि उनका ठिकाना सिवाय जहन्नम तो कुछ भी नहीं है। आप बताइए, दुनिया की मोहब्बत से इंसान का दिल जब तक आजाद न हो, अल्लाह की मोहब्बत से आबाद न हो, वो अल्लाह के रास्ते पे आ कैसे सकता है?